मिठाई लाओ लाओ पर कचगुबी में खबा रहे हैं मिठाई। अंकल जी आपको मालूम नहीं मैं परीक्षा में पास हो गया, 100 में से 100 नंबर आए हैं। अच्छा, पर मैंने तुम्हें पढ़ते तो कभी नहीं देखा। बात बताइए अंकल जी, पड़ोस वाली आंटी की लड़का हुआ है, आपने तो उनसे कभी नहीं पूछा, मैंने आपको छूते हुए नहीं देखा। कंजूस की औलाद, ये बंदा मार साला फूल का दे साला टट्टी, ये मार मार भैया मार डाला। तू जाए हमारा पैदा करना भाई, ठंड में ना मरने सारे महीने बैठे रहे, जो रोटी मेरा ना हो। अरे लंबड़दार, कोई घर पर है क्या? कौन बुला रहे हो? अरे जन्नू लाल भैया आओ बैठो। अरे भैया बड़े दिन बाद दिखाई दे। अरे भैया तो मैं कहा बताऊँ, हमें खेती बाड़ी से फुर्सत है ना। बात तो तुम्हारी सही है, और सुनाओ। और सब बढ़िया है, तुमसे एक काम हो। अच्छा क्या काम हुआ है? कुछ ना भैया, खेत में नो ना पान लगाना, 2000 रुपए जरूरत थी। तुम्हारो खेत खेत हमारो खेत, हम पानी ना लगाना कहते, मूठा चले ऐसे को ऐसे ज्यादा हम भिखारी एक एक रुपया ही ला ले पड़े। बापू जी, ओ बापू जी, अबे क्या हो गया बहन गलोड़ी, कैसे गला फाड़ रहा है? पड़ोस का लड़का, अगर तूने थोड़ी सी भी चतुराई की तो हाथ घोड़े तोड़ के हाथ में दे दूंगा। पापा अगर आप मेरे हाथ घोड़े तोड़ दोगे तो हाथ घोड़े के बीच वाले सामान पे बांधोगे? बात तो तेरी सही है, पर कुछ भी हो, जब तक तू पैसे पैदा नहीं करेगा मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो, अपने पहले लीला स्टार्ट कर दे तो। चल सुना सुना, तुम पता मिले भैया, चल तेरे सड़े में दिमाग कुछ तो फंसो। नहीं नहीं और भी कुछ फंसा, चल बता बता। अभी पड़ोस का लड़का शादी करके घूम रहा है, तो क्या मेरी शादी करा वो पर पक्के होंगे, परिवार होगा, फिर मिलके पैदा करेंगे। आना पापा, अरे शादी करेगा, शीशे में मुंह देखा कभी? हाँ देखा तो था, तो तेरे मायने पहले बहुत सुंदर सुशील था। अरे मेरी माँ निकलने पहली फुर्सत है। हाँ घर से तू भी निकलने पहली फुर्सत है। कहाँ? कैबिन में कमरे की लड़की नहीं मानेगा, अन्याय होकर ही रहेगा। चल सरपंच के पास, चल झंडे को एक रात मेरे जो हटा दियो, अगर झंडे ना कर दे तो मेरो ना झाटू सरपंच ना है। राम राम सरपंच जी। अरे आओ आओ भिखारी लाल। भिखारी लाल? अरे सरपंच जी इनको ना भिखारी लाल ना बिहारी लाल है। ओ सॉरी बिहारी लाल। काले मोटे बेइज्जती कर बोलता सॉरी। अरे बिहारी लाल क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं सरपंच जी, मैं बस जा सोच रहा हूँ, तो आजकल आपको पेट बहुत बढ़ रहा हूँ। चुप कर कांडू, ये पंचायत घर है, कोई रंडी खाना नहीं, सालों अभी जेल में सड़वा दूंगा, पूरे शहर में नाम चलता है झाटू सरपंच का। सॉरी सरपंच जी। हाँ चलो बताओ क्या परेशानी क्या समस्या है? सरपंच की बात है ऐसी, अगर इसने साले मोटे को सारी बात बता दी तो मेरी तो पोल खुल जाएगी। सरपंच जी इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं जानता, मैं बताऊंगा सारी बात आपको। सरपंच जी ऐसे कैसे बताएंगे, पहले मैं बताऊंगा, पूरा अध्याय रख के आया हूं ऊपर से नीचे तक। हाँ ठीक है चल बता। बाप ये कि मैं हाँ तुम आओ तो मैं सबसे पहले बताऊंगा, तो सुनो। सरपंच जी चूतिया हो गए, पहले हमसे कहा था हम बताए, सारे चूतिया बना रहे हैं मुझे। सरपंच तुम हो भी, मैं सरपंच तुम हो, लेकिन बताओ ना रहे हमारे यहाँ मार सालों को बढ़िया फोड़ दो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.